नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत त्यागी एसडी परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी की, सबसे महत्वपूर्ण भर्ती की, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर मेंशन कर दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई भर्ती 2022। इसमें कौन कौन सी भर्ती है? सबसे पहले अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी चीजें रहेंगी, 10वीं पास, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अर्थात अगर बात करें 10वीं पास की, या अगर बात करें आपकी जूनियर हाई स्कूल की, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी रहेंगी, और वैकेंसी की जो संख्या है वो काफी अधिक है। आप देख पा रहे हो कुल वैकेंसी जो रहेंगी आपकी कितनी भैया, 3932 जो है बेटा, वो कुल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो कुल पद है, किस किस श्रेणी में होंगे उसके बारे में बेटा प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई भर्ती है, 2022 की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी, और ग्रुप सी और ग्रुप डी में अगर बेटा बात करें, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा जैसे कि स्टेनोग्राफर मेरे भाई, उसके बाद क्लर्क, उसके बाद एक ड्राइवर, ठीक है, ग्रुप सी। उसके बाद ग्रुप डी में मेरे भाई ट्यूबवेल ऑपरेटर और चपरासी। तो इस कैटेगरी में बांटे गया है, आप देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट ऑफ जुडिशियल ऑफ इलाहाबाद पद की योग्यता और पाठ्यक्रम। उसके बाद आवेदन प्रारंभ कितने बजे आपका हो चुका है, 1 बजे, और 10वीं पास, जैसे कि मैंने आपको बताया 10वीं पास ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार में पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि वैकेंसी, और सबसे बड़ी बात, ये इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतनी बड़ी भर्ती है जो बिना पैट के आप लोगों को देखने की मिल रही है। इसमें पैट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, पैट इसमें नहीं मांगा गया है। याद रखना, जिन अभ्यर्थियों का पैट का पेपर नहीं दे पाए थे या पैट में परसेंटाइल कम था, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पैट इसमें मांगा नहीं मांगा गया। बिना पैट के एक इतनी बड़ी भर्ती देखने के लिए हम लोगों को बेटा मिल रही है। क्या क्या योग्यता है, कौन कौन सी पोस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं बेटा कौन कौन सी इसमें पोस्ट है। देखिए, सबसे पहली पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूचना, 2022 और 2023 संक्षिप्त विज्ञापन इसमें दे दिया गया है। कौन कौन सी चीज बताई गई है उसके बारे में एक बार बड़ा बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में केंद्रित भर्ती 2022-23 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। याद रखना कि आपकी क्वालिफिकेशन अगर एक से अधिक पद के लिए है तो आप उसमें क्वालिफिकेशन अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विस्तृत विज्ञापन में दिए गए प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा और परीक्षा शुल्क भुगतान करना होगा। रिक्तियों का विवरण कौन कौन सा है, नंबर एक पे आता है सबसे पहले स्टेनोग्राफर की बात करता है, स्टेनोग्राफर, और ये श्रेणी थर्ड में आता है, है ना। इसमें स्नातक चाहिए मेरे भाई, क्या चाहिए, स्नातक चाहिए, और इंपॉर्टेंट नालाइट से, क्या चाहिए, नेलिट से या डॉक सोसाइटी द्वारा एक ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होता है, ट्रिपल सी का कोर्स होता है, कंप्यूटर बेसिक कोर्स होता है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और आपको 25 और 30, यानी कि 25 प्रति शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी और अंग्रेजी में 30 कंप्यूटर टाइपिंग आपको बेटा आनी चाहिए इसमें। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर बात करते हैं, इसमें काफी सारी वैकेंसी, 305 की बात करें और 881 की बात करें। हिंदी अंशुलिपि की अलग है और अंग्रेजी के लिए अलग वैकेंसी दी गई, दोनों के लिए अलग बताई गई है। एज देखिए कितना बड़ा एज का है, 18-40 वर्ष, और 1/7/2022, अर्थात जो अपियर रहेंगे वो फॉर्म नहीं भर सकते। याद रखना, जो लोग अपियर, इनका रिजल्ट आने वाला है, वो फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन और एज की बात करते हैं वो कम मांगी है, 1/7/2022 रहेंगे। क्रेडिट पे 5200 से आपका 20200 का रहेगा, क्लियर। ये आपकी फर्स्ट वैकेंसी मेरे भाई। दूसरी वैकेंसी जो दी गई है, ये आपकी किसके, लिपिक वर्ग की है, यानी कि टाइपिस्ट की होती है, लिपिक वर्ग की दी गई है। इसमें इंटरमीडिएट, यानी कि बेटा इसमें क्या चाहिए आपका, 12th चाहिए, और वही डॉएक से आपका क्या चाहिए, इसमें एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रिपल सी का इसमें चाहिए। और दूसरी बात, इसमें क्या दिया गया है, इसमें वही 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग कंप्यूटर आपको आना चाहिए। इसमें टोटल 1021 वैकेंसी, 18-40 इसमें भी एज है, और 1/7/2022 इसमें क्या चाहिए आप लोगों का, टोटल आपकी क्वालिफिकेशन, आयु जो गिनी जाएगी वो 1/7/2022 गिनी जाएगी। ग्रेड पे इसका भी बेटा सेम रहेगा, ठीक है ना, कितना, 5200 से 20200, ग्रेड पे इसका 2000, इसका 2800। और अगर बात करते हैं इसमें फिटेस्ट की होती है तो उसमें 1200 ग्रेड पे इसमें दिया गया है। तीसरी भर्ती की बात करते हैं, तीसरी भर्ती में इसमें कौन सी है, इसमें ड्राइवर की भर्ती है, किसकी, ड्राइवर की भर्ती दी गई है। ये भी आपकी गांव वर्ग में आती है, इसमें हाई स्कूल, यानी इसमें 10वीं, यहाँ पर 12वीं और यहाँ पर स्नातक, यानी कि अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन रहेगी, इंटरमीडिएट 12वीं की बात करें तो आपकी टाइपिस्ट के लिए रहने वाली है, और यहाँ पर हाई स्कूल चाहिए किसके लिए, आपके पास चार पहिया, देखिए क्या दिया गया है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास चार पहिया
आपके पास वाहनों को चलाने का एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 वर्ष से कम की अवधि का ना हो, यानी 3 वर्ष से पुराना ही होना चाहिए कम से कम, नया 3 वर्ष से अधिक का होना चाहिए, कम का नहीं होना चाहिए। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी 26 दे दी गई है, 18 से 40 इसमें बेटा एज 18 से 40 दे दी गई है। ग्रेड बेस की इसका इसका क्या है, जो सैलरी होगी आपकी 52,000 से लेकर 20,200 तक है। ग्रेड बेस का कितना है बेटा, इसका 1900 ग्रेड पे दिया गया है। अंतिम वैकेंसी की बात करते हैं नंबर 4 की, इसमें गावर की दी गई है, इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर और सहायक तकनीशियन है, यानी कि एक जो सहायक इलेक्ट्रिशियन होता है उसके दी गई है और ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी है। इसमें जूनियर हाई स्कूल चाहिए, यानी कि इसमें 8th आपका चलेगा, है ना, इसमें 8th चलेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण या उसके समक्ष संस्थान से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स। एज इसमें भी क्या है, इसमें भी आपकी एज क्या है, इसमें भी आपकी एज 18 से 40 वर्ष है, ठीक है ना। जूनियर हाई स्कूल इसमें चाहिए, इसमें आपका हाई स्कूल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपकी बेटा सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्ट पूछा गया तो सभी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू उनके पास, यानी कि स्नातक स्टेनोग्राफर में 12वीं चाहिए आपकी, किसमें बेटा टाइपिस्ट में चाहिए, और इसमें आपकी किसमें ड्राइवर में चाहिए आपका बेटा 10th, और इसमें जूनियर हाई स्कूल चाहिए। 18 से 40 है इसका। अगर वेतन की बात करें 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड में इसका 1800 है, कितना है 1800, इसका बेटा 1900 है, ये 2000 है, और ये आपका 2800 दिया गया है। उसके बाद बेटा प्रोसेसर सर्वर भी है, इसमें सिर्फ हाई स्कूल चाहिए आपका, कितना चाहिए हाई स्कूल चाहिए। उसके बाद एक चपरासी भी है, अर्दली चपरासी बोलते हैं, एक कार्यालय चपरासी और फार्सर। उसके बाद चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर और माली, स्वीपर और क्या देगा भैया, माली के भी पद इसमें दिए गए हैं, माली के पद दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं, मालिक के पद इसमें टोटल दिए गए हैं, किसके पद दिए गए हैं, मालिक के पद इसमें दिए गए हैं। कौन कौन सी पोस्ट पे किस किस की चीज के बारे में इसको एक बार देख लेते हैं, ऊपर की सारी पोस्ट हम लोग देख चुके हैं। तो महत्वपूर्ण पद की अगर बात करें, इसमें अगली जो पोस्ट रहेगी आपकी वो कौन सी पोस्ट है, प्रोसेसर हो चुका है, अर्दली चपरासी, कारल चपरासी, फार्सर, इसमें भी जूनियर हाई स्कूल चाहिए आप लोगों का, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली और कुली, है ना, और लिफ्टमैन, इसमें भी जूनियर हाई स्कूल चाहिए। स्वीपर कम फार्सर ये एक ऐसी वैकेंसी जिसमें आपको 6th पास होना जरूरी है, कितना है 6th पास होना जरूरी है। तो 10th पास के लिए एक अच्छा मौका है, 12th पास के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है, सारी वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा दी गई है, साफ साफ लिखा गया है, रिक्तियां यानी वैकेंसी संख्या श्रेणीवार घट या बढ़ सकती है। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तर प्रदेश के अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर आपको उज्ज्वला द्वारा अंगीकृत अधीन अनुमान, यानी जो न्यायालय ने इनके लिए छूट दी गई है वो मान्य सारी होगी। आवेदन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने तो लिंक 30/10/2022 से लेकर 13 क्या भैया 11 तक सक्रिय रहेगा, सक्रिय रहेगा। उसके बाद भुगतान शुल्क की बात करते हैं, पोस्ट क्रम एक हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो सामान्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं उनके लिए ₹1,000 है, कितना है ₹1,000। बैंक चार्ज अतिरिक्त होगा, ऐसे अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश के अनुशासन अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, शुल्क में ₹800 देने होंगे, इनके कितने होंगे 800, बैंक चार्ज इसमें क्या होगा अतिरिक्त होगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट संख्या 2 के लिए इच्छुक अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर संबंधित होंगे, उन्हें 850 बैंक चार्ज अधिक, और जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है उन्हें प्रशुल्क में कितने भैया ₹650 बैंक चार्ज अतिरिक्त रहेगा। पोस्ट क्रम 3 और 4 हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर संबंधित, उन्हें शुल्क ₹800 देने होंगे, बैंक चार्ज अतिरिक्त रहेगा, और उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित परीक्षा शुल्क के लिए कितने भैया ₹600 बैंक चार्ज अतिरिक्त भुगतान करना होगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा जो OMR शीट पोस्ट क्रम के संख्या के अनुसार अलग अलग पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित की जाएगी। पद अनुसार जहां आवश्यक होगा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट, अनुशुल्क टेस्ट, तकनीक ड्राइवर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा टेस्ट की समय सूची स्थान को ई एडमिट कार्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, और बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इलाहाबाद अगर कोर्ट की बात करें साइट पर जा सकते हैं। तो ये सारा विवरण था, समय बहुत कम है आप लोगों के पास, इसमें फॉर्म भरने के लिए समय बहुत कम दिया गया है और ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही कहा था जिन बच्चों का पैट का फॉर्म देने से चूक चुके हैं, पेपर नहीं दिया है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण वैकेंसी रहेगी ये, ठीक है भाई। तो समय बहुत कम है, सर्वर का इंतजार ना करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, अपने फॉर्म को फटाफट से भरें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।